करनाल के, जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज करनाल पहुंचे। इस दौरान करण लेक पर प्रदेश के सभी महाप्रबंधकों और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की आयोजित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना परमिट के चलने वाली प्राइवेट बसों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचनाओं के मुताबिक 1000 से अधिक बसें हैं जो बिना परमिट के सवारियां ढोने लगी हुई हैं। प्रदेश के सभी अतिरिक्त उपायुक्त, जिनके पास सचिव आरटीए का कार्यभार है, को निर्देश दिए गए हैं कि इन बसों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। प्रदेश सरकार ने छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक बस सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है और इसके लिए हरियाणा राज्य परिवहन के सभी जिला महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे छात्राओं के लिए लगाई जाने वाली विशेष बसों का रूट निर्धारित करें ताकि उसके मुताबिक बसों की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने कहा कि बेहतर परिवहन सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में बसों का होना जरूरी है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में राज्य परिवहन के बेड़े में किन्हीं कारणों से नई बसें शामिल ना होने की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा करके बसों की कमी को पूरा करने का प्रयास भी आरंभ किए गए हैं। करनाल में रोडवेज हड़ताल के दौरान सामने आए टिकट घोटाले के एक अन्य प्रश्न पर परिवहन मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व उन्होंने अधिकारियों की बैठक के दौरान निर्देश जारी किए कि जिन जिलों में मैकेनिक या अन्य जरूरी स्टाफ की कमी है उसकी सूचना मुख्यालय को दे ताकि इस कमी को पूरा करने के विकल्प तैयार किया जा सके। इसके अलावा सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने जिले की बसों की संख्या, स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की जानकारी, बोल्वो और वातानुकूलित बसों की नवीनतम स्थिति तथा विभाग से संबंधित अन्य समस्याओं की जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि उनका प्राथमिकता से समाधान करके प्रदेशवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों ने चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम के कारण बस सेवा प्रभावित होने और इस समस्या के समाधान के सुझाव भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल से कार्य करें। बनने के बाद सभी जीएम रोडवेज की मीटिंग है, ईसीएसबी एसएनआई जी वो फर्स्ट हैं, सभी जिले के सभी जीएम हमने यहाँ पे बुलाए हैं कि जिले में क्या बसों की हालत है, कितनी बस चली हुई हैं, कितनी कंडम है, कितनी अपनी वॉल्वो बसों की क्या हालत है, एसी बसों की, सारा हमने एक एक उस पर जायज़ा लिया कि बसों की लोगों कहना है कि जी हमने भी उनकी शिकायत उनकी भी सुनी है कि 5 साल में कोई बसों की परचेजिंग नहीं हो पाई, कि बसों की परचेजिंग बेड़ा तो घटता चला गया, बसें आई नहीं, बेड़ा घटता चला गया। इन सब हालातों पर हमने चर्चा की है कि इन सब हालात की जो चर्चा है इनसे कैसे हम लोगों को, हरियाणा सरकार ट्रांसपोर्ट को देना, आम गरीब आदमी को जन सुविधा देना, बेटी को भी देना है, विकलांग को भी देना है, मरीज को भी देना है, रोड पे भी देना है, तो सबको सुविधा देना अपना ट्रांसपोर्ट महकमे का सबका दायित्व है। उसके लिए क्या अधिकारी मिले जो बिना परमिट की बसें चल रही हैं, जो बस स्टैंड के साथ से भरती हैं, इस तरह के जो बेकायदी हैं उन सबको लगाम लगाना है, इस तरह के व्हीकलों को भी रोकना। मंत्री जी, एक करनाल का हादसा, आईटीआई का ऐसा हादसा हुआ था कि जो एक प्रदेश नहीं पूरे देश में प्रचलित हुआ था, आज भी मीडिया कई बार दिखाता है कि यहाँ आज भी बसें जो उनसे छात्र बसों की छतों पर बैठकर जाते हैं, जो एक बड़े हादसे का दोबारा से कारण बन सकते हैं। नीचे कर लेना थोड़ी आईडी। उसी चर्चा की हम बात कर रहे हैं जो आपने कहा कि बसों की जो तादाद है कम है और कम के कारण 5 साल में बस परचेजिंग ज़्यादा नहीं कर पाए और उसी के लिए बसें डिमांड ज़्यादा है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, बसें कम हैं, तो इसके लिए सबको पूर्ति करने के लिए भी क्या हर जिले वाइज क्या ट्रांसपोर्ट की हालत है उस सबको पूरा करने के लिए। कब तक सर ये बसें, नई बसें आ जाएंगी कब तक? जल्दी ही मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है, जल्दी इसको मुख्यमंत्री जी ने करके जल्दी इनका। कितनी बसों की कमी है सर? बहुत बसों की कमी है। प्राइवेट बसों की कंप्लेंट दी है एसपी को करनाल में, जो गड़ी बीरबल है जहाँ दूसरे रूट की भी बसें नहीं चल रही है। पिछले दिनों भी जनता टीवी ने और सभी चैनलों ने इस मुद्दे को उठाया था, बसें नहीं थी, प्राइवेट रोडवेज की बसें लगी थी, बसें फिर बंद हो गई हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि बस की समस्या है, जहाँ बस है वहाँ प्राइवेट बस वाले पहले भर के चल देते हैं, हरियाणा रोड पीछे खाली चलती है,
वो रूट भी तो है जहाँ पे हरियाणा रोडवेज बस खाली चलती है, प्राइवेट भर के चल देते हैं, ये भी तो खेल है। स्टूडेंट का ज्यादा मामला सर? हाँ, स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, उनका भी इंजाम कर रहे हैं, स्टूडेंट के जो लोग हैं वो लोग बस में करेंगे। JBD banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।